तो दोस्तों जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ये है यहाँ पे टेंट जहाँ पर कि सभी लोगों के डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हो रहे हैं। और फिर यहाँ से आगे ग्राउंड बता रहे हैं कि आगे की साइड कहीं बराबर अंदर बजरंगबली की मूर्ति देख सकते हैं, किस तरीके से बजरंगबली ने पूरा जड़ी बूटी वाला पर्वत लगाया भाई भंडारा चटकाते हुए। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। कल हम जो थे कोटद्वार पहुँच गए थे, तो रात को लेट पहुँचने की वजह से वहाँ से आगे ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तो अभी हम सुबह सुबह निकल चुके हैं, हमारे कोई रिलेटिव थे उनके यहाँ रुके हम रात को, और अभी हम जा रहे हैं वापस कैंप की तरफ। तो इस टाइम मैं हूँ और मेरे साथ है मेरे बुआ का लड़का सुनील। तो अभी हम जा रहे हैं वापस कैंप में, आपको दिखाता हूँ कितनी भीड़ भाड़ है, कैसा कैसा वहाँ पे माहौल है, और साथ ही हो सकता है हम आज सिद्धबली मंदिर भी जाएँ। तो अभी सुमित और वो आ रहे हैं पीछे से टेम्पो में, अभी कहीं बाहर जा रहे हैं, तो वो लोग भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। बाकी अब आपको लोगों से मिलाता हूँ मैं आगे कैंप में। तो दोस्तों जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ये है यहाँ पे टेंट जहाँ पर कि सभी लोगों के डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हो रहे हैं। और फिर यहाँ से आगे ग्राउंड बता रहे हैं कि आगे की साइड कहीं ग्राउंड है, उधर भेजा जा रहा है लड़कों को। तो ग्राउंड का तो अभी पता नहीं चल रहा किस तरफ है, क्योंकि हमने पूछा भी पता नहीं चल रहा, कोई कहीं बता रहा है कोई कहीं बता रहा है। बाकी ये पूल है यहाँ से और नज़ारा काफ़ी अच्छा है यहाँ का। तो अभी चलते हैं आपको उस तरफ का इलाका दिखाते हैं किस तरीके का वहाँ पर है ग्राउंड वगैरह, मतलब ये टेंट हाउस किस तरीके जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, और साथ ही आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट देके आगे अपने प्रोसीजर के लिए बढ़ जाओगे। तो चलते हैं आपको वहाँ पे दिखाते हैं क्या भीड़ भाड़ है। वैसे तो ख़त्म हो गया, हमको दो चार लड़के मिले थे रास्ते में, कह रहे थे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो फिर एक बार चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या क्या सीन है वहाँ पर। सो आपने देखा कि आगे कैसे कैसे भीड़ है, मतलब वहाँ पे आज हम लेट हो गए आने में, हमें नहीं पता कि सुबह 8-9 बजे तक भर्ती ख़त्म हो जाती है। सारे लड़के वहाँ से जा चुके हैं और आगे ग्राउंड में जा चुके हैं, ग्राउंड में जाना अलाउड नहीं है, इस तरफ गाड़ी पार्किंग है हमारी। तो वही था सब कुछ, और यहाँ पर आज धूप भी है, शायद कल वालों को लिए बढ़िया होगा। फाइनली दोस्तों हमें सिद्धबली टेम्पल में, ये रहा सिद्धबली टेम्पल का गेट, और पटार वगैरह भी हमने ले लिया है। चलते हैं ऊपर मंदिर के गेटों पे और बताते हैं आपको। पहले यहाँ पे जूते उतारते हैं, टोकन मिलेगा, एक टोकन लेते हैं फिर चलते हैं। तो यहाँ की घंटी बजाना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ऊँची है, तो पैर छू के ऐसे चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको मंदिर दिखाते हैं ऊपर। पहले सीढ़ी से होकर ऊपर चलते हैं और फिर दिखाते हैं। इसकी तबीयत ख़राब लग रही है, चल। तो आपको ऊपर मंदिर में मिलते हैं ऐसे ऐसे, इस तरीके की कुछ सीढ़ियाँ सीधा मंदिर मिलते हैं। सारे भर्ती वाले लौंडे यहाँ आ रहे हैं। तो ये है मंदिर के एंट्रेंस, यहाँ से हम अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर टीन सेट है, जिसके वजह से मंदिर का ऊपर का हिस्सा दिखता है, वो हम आपको वहाँ से बैक एरिया से दिखाएंगे। बाकी भी अंदर चलते हैं, मंदिर दिखाते हैं आपको और प्रसाद वगैरह चलाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, बेहद खूबसूरत मंदिर। तो एक बार आप अंदर बजरंगबली की मूर्ति देख सकते हैं, किस तरीके से बजरंगबली ने पूरा जड़ी बूटी वाला पर्वत लगाया और भगवान का श्रृंगार करा हुआ है। और साथ ही मंदिर देखने में बहुत खूबसूरत है, आप अंदर से देखिए कि बाकी हम मंदिर की सुंदरता मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कि मंदिर किस तरीके से दिखने में ऊपर से। तो इस तरफ सभी लोगों ने भक्तगणों ने चुनिया बांधी हुई है, और ये है मंदिर का ऊपर का सिरा, देख सकते हैं जिस तरीके से बजरंगबली का ऊपर का हिस्सा होता है उसी तरीके का ऊपर गुंबद है, और बेहद खूबसूरत मंदिर देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चारों तरफ का आप इलाका देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत। नीचे नदी भी है, आपको नदी का नज़ारा दिखाता हूँ मैं, वो नीचे नदी देखिए आप मंदिर वाला ही मैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और मंदिर का आनंद लेते हैं, और आप इंजॉय कीजिए इस मंदिर के इधर का इलाका।
और ये मंदिर का बैक एरिया। तो मंदिर का वॉकराउंड दिखाता हूँ आपको पूरा। इस तरफ का नज़ारा देखिए, पूरा कोटद्वार बेहद खूबसूरत देखने में। कोटद्वार देख सकते हैं आप यहाँ से। और आपको आगे कैसे दिखाता हूँ मंदिर का। और ये मंदिर का अदर ये पार्ट देखिए आप। ये मंदिर का आगे का हिस्सा था। तो ये था पूरा मंदिर का एक वॉक राउंड। और अब चलते हैं यहाँ से, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद निकलते हैं यहाँ से। तब तक आप एक छोटा सा टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए यहाँ का। के साथ अपने लिस्ट में एक मंदिर और जुड़ चुका है धामों में से, जो फेमस फेमस मंदिर होते हैं उनमें से एक मंदिर और जुड़ चुका है अपने साथ, जिसमें सिद्ध बलि का नाम एंटर हो गया। ये एक हनुमान जी का मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है। तो आज हमने इसे भी कवर कर लिया है और अब चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। काफ़ी टाइम बैठे हैं हम यहाँ पर और अब निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अभी लंच का टाइम भी हो रहा है धीरे धीरे, तो हम घर जाएंगे। हालाँकि यहाँ पर नीचे प्रसाद भी है खाने के लिए, तो पहले देखते हैं अगर प्रसाद बना होगा तो खा लेंगे थोड़ा बहुत, नहीं तो चलते हैं घर ही चलते डायरेक्ट अब। यहाँ पर दोनों भाई भंडारा चटकाते हुए। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं मंदिर से। तो भंडारा काफ़ी टेस्टी हो रहा था, हमने दो दो चार चार पूड़ी खाई, बस ज़्यादा नहीं खाई क्योंकि ज़्यादा ऑयली खाने से धूप में सर घूमता है। तो अब चलते हैं नीचे बाइक के पास और मिलते हैं आपसे आगे कहीं।